महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी अस्पताल का उद्घाटन किया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए की लागत से 230 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण करवाया है। मोदी वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की जेल में दम तोड़ने वाले कृपाल सिंह को आज अपने वतन की मिट्टी नसीब हो पाएगी। लाहौर में पोस्टमार्टम के बाद कृपाल सिंह के शव को आज भारत लाया जाएगा। कृपाल सिंह की पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में मौत हुई थी। इशरत जहां केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की भूमिका को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने देशद्रोह बताया है। पी चिदम्बरम पर हलफनामा बदलवाने का आरोप है। वाराणसी में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर नाराज चल रही केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल की शिकायत पर नगर निगम से हृदय योजना का काम छीन लिया है। अब इस योजना पर एनबीसीसी काम करेगी। देश के 10 राज्यों में भयंकर सूखे के मामले पर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार बताएगी कि देश के इन 10 राज्यों में कितने जिले, तहसील और गांव सूखे की चपेट में हैं। केंद्र सरकार आज कोर्ट में ये भी बताएगी कि सूखे से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पनामा लीक्स में अमिताभ का नाम आने के बाद पर्यटन मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। भारत ने चीन से कहा कि सीमा के अतिक्रमण को रोकने के लिए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा बनाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने चीनी समकक्ष और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चांग वेंगक्वान से अपनी मुलाकात के दौरान ये बात कही। दिल्ली में दो अलग अलग जगहों में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग जख्मी हो गए। पहली घटना दिल्ली के गांधीनगर इलाके की है और दूसरा हादसा दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में हुआ। यूपी के देवरिया में दर्दनाक हादसा हुआ है। बेलगाम रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 31 लोग जख्मी हो गए हैं। गंभीर रूप से जख्मी से 8 लोगों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देवरिया के पन्हा गांव में पूजा समारोह चल रहा था, यहीं पर भीड़ जमा हुई थी। बेलगाम कार ने भीड़ को रौंद दिया। चश्मदीदों की माने तो ड्राइवर नशे में कार चला रहा था। जिस गाड़ी में हादसा हुआ उसमें यूपी सरकार का स्टिकर लगा हुआ है। कार के अंदर शराब की बोतलें भी रखी गई है। यूपी के कन्नौज में खीर खाने के बाद 29 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई जिसमें कई छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दूध और खीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। यूपी के बाराबंकी में डायरिया होने की वजह से 3 महिलाओं की मौत हो गई। अब तक दर्जनों लोग डायरिया के चपेट में आ चुके हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों के परिवार वालों का आरोप है कि घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिलाधिकारी ने लोगों को जांच का भरोसा दिया है। गाजियाबाद में लड़की से वीडियो कॉल पर बात के बाद युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में सियासी संकट बरकरार है। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ने राष्ट्रपति शासन को जायज बताया है। त्रिपुरा की जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। दीपा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक के आखिरी क्वालिफायर में दीपा ने 52.698 पॉइंट हासिल किए और उसके बाद रियो गेम्स में वॉल्ट में दीपा ने गोल्ड भी हासिल किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले राजौरी के स्थानीय और कश्मीर घाटी के छात्रों के बीच लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। झड़प में 8 छात्र घायल हो गए। हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी में पुलिस तैनात कर दी गई है। कश्मीर के हंदवाड़ा में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद एक बार फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हंदवाड़ा में कल सुबह ही कर्फ्यू में ढील दी गई थी लेकिन कर्फ्यू हटते ही हंगामा शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने दोबारा कर्फ्यू लगा दिया। राजस्थान के थार रेगिस्तान में सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। 45 डिग्री तापमान में जवान दुश्मनों पर गोले बरसा रहे हैं।
अगले दो साल में केंद्र सरकार 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। सरकार की योजना 1 मार्च 2015 से 2,20,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। सबसे ज्यादा नौकरियां रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दी जाएंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट आते हैं, जिनमें करीब 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती की योजना है। यहाँ करीब 47,000 भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय में करीब 6,000 और कैबिनेट सचिवालय में 301 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पिछले कुछ सालों से ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी में भर्तियां नहीं हुई हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार के कई विभाग स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के रिवाइवल और किसानों की मदद के लिए सरकार फास्ट पेमेंट डिसबर्सल सिस्टम डेवलप करने की योजना पर है और इसके तहत मुआवजे या इंश्योरेंस की रकम किसानों को कुछ मिनटों में ही मिल सकेगी। फिलहाल फसल की बर्बादी के आंकलन के बाद मुआवजा चेक से दिया जाता है। मुआवजा लेने वालों की लिस्ट में नाम होने के बाद भी चेक काफी समय बाद मिलता है। इससे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर चेक में नाम गलत लिख दिया गया है तो मुश्किल और बढ़ जाती है। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार की कोशिश है कि पेमेंट मैकेनिज्म में बदलाव किया जाए। सूत्रों के मुताबिक नए सिस्टम में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम की मदद लेने की योजना है, जिसमें पेमेंट के लिए एक ही ऑथेंटिकेशन प्रूफ चाहिए। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं भी पावर कट ना हो। पीयूष गोयल ने कहा कि इस वक्त देश में 2000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। उन्होंने कहा कि पावर कट होने पर लोगों को अपने राज्य की सरकारों से इस बारे में पूछना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में माल्या के वकील ने ईडी के आरोपों को झूठा और गलत बताया। वकील के मुताबिक उन्होंने आईडीबीआई के लोन का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। माल्या के वकील की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी माल्या के आईडीबीआई बैंक से लिए 900 करोड़ रुपए के दुरुपयोग की जांच कर रही है। आरोप है कि माल्या ने इसमें से 430 करोड़ रुपए विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल किया। माल्या का पासपोर्ट पहले ही सस्पेंड हो चुका है। ईडी माल्या को 3 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन माल्या पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार ने बेशकीमती कोहिनूर हीरे पर दावेदारी छोड़ने के संकेत दिए हैं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में संस्कृति मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि भारत को कोहिनूर पर दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो ये चोरी हुआ ना ही जबरदस्ती ले जाया गया। दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद ओला और उबर ने टैक्सी किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी खत्म कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐप बेस्ड टैक्सी ऑपरेटर्स को चेतावनी दी थी कि जो टैक्सी तय किराए से ज्यादा वसूलेगी उनका परमिट रद्द किया जा सकता है। दिल्ली में ऑडिवन के दौरान ओला और उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज के रेट बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ऐप बेस्ड टैक्सी वालों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले में रेडियो टैक्सी के संचालकों से बात करे और कोई समाधान ढूंढे। हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को सड़क पर परेशान होने के लिए यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि शिकायतें मिल रही थी कि पीक आवर में ऐप बेस्ड टैक्सियों ने अपने रेट बेतहाशा बढ़ा दिए थे। दिल्ली में ऑडिवन का आज 5वां दिन है। इससे पहले कल ऑडिवन का उल्लंघन करने पर 710 लोगों के चालान काटे गए। दिल्ली में ऑडिवन लागू होने से प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी आई है। रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों का ही स्तर सामान्य से ज्यादा रहा। दिल्ली जल बोर्ड ने दावा किया है कि बोर्ड एक साल में 217 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाएगी। जल बोर्ड के मुताबिक बोर्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साल के भीतर इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाई हो।
जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए जल्द ही दो हॉस्टल बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को के एक समूह से मुलाकात की और ये जानकारी दी। सतलुज यमुना लिंक मामले पर दिल्ली सरकार ने फिर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अपना पुराना जवाब वापस लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कुंज कॉलेज में कैंपस के भीतर पानी की प्लास्टिक की बोतलों की बिक्री को बैन लगा दिया गया है। कॉलेज की ओर से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। दिल्ली में संसद भवन से कुछ दूरी पर स्थित आकाशवाणी भवन के पास पार्सल ले जा रही डाक विभाग की वैन में आग लग गई, जिससे वैन में रखे ज्यादातर पार्सल के पैकेट जल गए। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सीजे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के 211 पब बार डिस्को मालिकों ने एंटरटेनमेंट टैक्स अभी तक नहीं दिया है। टैक्स ना देने वाले ज्यादातर एंटरटेनमेंट सेंटर दक्षिण मुंबई के हैं। रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने सभी को नोटिस भेजा है। सामना के जरिए शिवसेना ने मराठवाड़ा में बियर के कारखानों को पानी की सप्लाई किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें लिखा गया है कि सूखे की वजह से भूगर्भ जल खत्म हो चुका है, लिहाजा बचे हुए पानी का इस्तेमाल इंसानों को बचाने के लिए होना चाहिए। प्रत्युषा बैनर्जी खुदकुशी मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि राहुल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सरकारी वकील ने कोर्ट से और समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट के फैसले में शराब की बोतलों पर होलोग्राम और ट्रेस तकनीक लगाना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि उसने ये फैसला इसलिए किया है कि किसी बोतल का गलत इस्तेमाल ना हो सके। मुंबई में आज से 6 दिनों तक डिब्बे वाले डिब्बों की सप्लाई नहीं करेंगे। दरअसल डिब्बे वाले अपने खंडोबा कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा करने के लिए अपने गांव निकल गए हैं। इन देवताओं की पूजा इसी चैत्र पूर्णिमा के दौरान की जाती है। सूखाग्रस्त इलाकों की मदद के लिए माड़ा मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे जमा कराएगा। माड़ा पहले अपने आर्थिक बजट में सूखाग्रस्त 1300 गाँव में 1000 पानी की टंकी लगाने का निर्णय लिया था। ऐसा ना हो पानी की वजह से अब कोष में पैसा जमा कराने का फैसला किया गया है। बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में फैसला लिया जाएगा कि उन्हें हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज किया जाए। मुंबई कस्टम विभाग ने पिछले दिनों हुए कस्टम चोरी और स्मगलिंग की घटनाओं में लगभग 41 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया। सोना, कीमती घड़ियां, मोबाइल, हीरे और इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ करीब 2 दर्जन लोग पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को सीने में दर्द की शिकायत पर सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया। भुजबल महाराष्ट्र सदन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आर्थर रोड जेल में बंद है। यूपी के मथुरा में एक बार कार में अचानक लग गई हादसा। मथुरा स्टेट बैंक चौराहे पर हुआ। कार चालक बैटरी में दिक्कत आने के बाद गाड़ी खड़ी कर ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक आग लग गई। आग से गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लखनऊ के रजागंज में पंजाब नेशनल बैंक में दिव्यांग महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला बैंक में पैसा निकालने के लिए गई थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद नंबर आया तो बैंक कर्मियों ने कैश की कमी की वजह से पैसा देने से इनकार कर दिया। महिला ने गुजारिश की तो बैंक मैनेजर ने महिला का गला पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के बदायूं में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब लाइसेंसी बंदूक से की गई फायरिंग से एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में दोषी आईएएस राजीव कुमार के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। राजीव को प्लॉट आवंटन घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
यूपी में बागपत कुतवाली क्षेत्र के यमुना खादर में मिले युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट चलाने वाले इस युवक की हत्या में एक तांत्रिक पकड़ा गया है। तांत्रिक ने युवक की हत्या इसलिए की क्योंकि वो तंत्र क्रिया करने और उसके घर आने का विरोध करता था। यूपी के हाथरस में बहुचर्चित सत्येंद्र शर्मा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक एक लड़की से सत्येंद्र शर्मा के अवैध संबंध थे। लड़की के पिता संजेश ने एक दिन दोनों को साथ देख लिया और गुस्से में आकर सत्येंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी और शव पार्क में फेंक दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में पति उत्पीड़न के मामले में मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल आई एक महिला को पुलिस सिक्योरिटी में ही उसके पति ने जिंदा जला दिया। आईजी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्वालियर के एम्बियंस होटल में मुंबई की रहने वाली एक अकाउंटेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इस महिला ने ग्वालियर की दो महिलाओं पर समलैंगिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। राजस्थान में बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में गिराब में बीएसएफ ने संदिग्ध को पकड़कर गिराब थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उसने खुद को गुजरात निवासी बताया है। जिला मुख्यालय पर विभिन्न जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी से गर्मी से लोगों को कुछ निजात मिली। हालांकि अभी भी तेलंगाना के कुछ इलाकों में लू और गर्मी से राहत नहीं है। तेलंगाना में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में घर में रखे पटाखों में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। माना जा रहा है कि घर में अवैध रूप से पटाखे बनाने जाते थे। बिहार में लोगों की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस खुद बदमाशों के निशाने पर है। बाढ़ में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने मरांची थाने के दरोगा सुरेश ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले की वजह साफ नहीं है। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश कर रही है। झारखंड के पतरातू में आसपास के 25 गांव के लोगों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इन लोगों की मांग है कि 1962 में हुए जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें आज तक ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक स्कूलों का समय 7 बजे से 10 बजे तक कर दिया जाए। रायपुर जू में जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं पक्षियों के पिंजरे के लिए हरी घास की पैकिंग की गई है। जानवरों के खाने पीने का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। शाकाहारी जानवरों को तरबूज खरबूजा और ककड़ी दी जा रही है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को अपना खर्च निकालने के लिए एक दिन में 100 फेरे लगाने होंगे। IIM अहमदाबाद की ओर से तैयार एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। जापान में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए करीब 98,000 करोड़ रुपए का कंसेशनल लोन ऑफर किया है। रेलवे को ये लोन 50 साल में चुकाना है लेकिन IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट से बुलेट ट्रेन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। थोक महंगाई दर लगातार 17वें महीने नेगेटिव रही है। हालांकि मार्च में थोक महंगाई दर में मामूली इजाफा हुआ है और ये फरवरी के 0.91% से बढ़कर 0.85% पहुँच गई है। एसी और फ्रिज की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। साल दर साल आधार पर पिछले 15 दिनों में एसी की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इजराइल की राजधानी यरूशलम में 2 बसों में विस्फोट हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इसके पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विस्फोटों के पीछे फिलिस्तीन का हाथ होने की बात कही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए इराक में और सेना भेजेगा। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी एश कार्टर ने कहा है कि इससे इराकी सेना को ISIS के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। रूस की सेना ने कम दूरी की न्यूक्लियर क्षमता वाली एक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया।
इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। इससे बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलों को फायर किया जा सकता है। जापान के क्यूशू द्वीप पर आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 42 पहुंच गई है। यहां वीरवार से अब तक 500 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। भूकंप से लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के हेबेई प्रांत में दो कंपनियों के कर्मचारियों के आपसी झगड़े को निपटाने का एक अजीब मामला सामने आया। दोनों कंपनियों के कर्मचारी एक दूसरे से बुलडोजर लेकर फाइट करने लगे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। चिली में भारी बारिश और बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग लापता हैं। राजधानी सेंटियागो में नदियां और नहरों का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। सड़कें डूब गई हैं और घरों में पानी भर गया है। कनाडा के टोरंटो शहर के जू में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। टाइगर के बाड़ी में एक महिला अपना हैट लेने के लिए कूद गई, जिसे देखकर बाघ महिला पर हमला करने के लिए भागने लगा, लेकिन दूसरी फेंसिंग होने की वजह से महिला बच गई। मेक्सिको का पोपो कहते पेटी ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी के फटने के बाद चारों ओर राख और लावा फैल गया। प्रशासन ने इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के बाद भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ आ गई है। दक्षिण पूर्व टेक्सास में 16 इंच बारिश हुई है। रेस्क्यू टीम ने 74 लोगों को बाढ़ से बचाया। बारिश के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने शादी से पहले अपने दोस्तों को बैचलर पार्टी दी। बिपाशा ने एक ब्राइडल शॉवर पार्टी रखी, जिसमें वो दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आई। दूसरी तरफ करण ने गोवा में फ्रेंड्स के साथ खूब धमाल मचाया। एक इवेंट पर जब जॉन इब्राहिम से बिपाशा की शादी पर सवाल पूछा गया, तो जॉन काफी भड़क गए। जॉन ने गुस्से से रिपोर्टर का माइक हटाया और सवाल का जवाब दिए बिना ही इवेंट से चले गए। सरबजीत की रिहाई को लेकर की गई सलमान की कोशिशें आपको फिल्म में नजर नहीं आएंगी। दरअसल सरबजीत की बहन दलबीर कौर जब सलमान से मिली थी, तो उन्होंने मदद का भरोसा दिया था, लेकिन सरबजीत पर बनी फिल्म में ऐश्वर्या है, इसलिए इसमें सलमान का कोई भी सीन नहीं रखा गया है। कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि शाहिद और उनकी पत्नी मीरा राजपूत के घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अब खुद शाहिद ने एक इवेंट के दौरान कंफर्म कर दिया है कि जल्द ही उनके पापा बनने की खबर सच है। शाहरुख के घर मन्नत में उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फैन का जश्न मनाया गया। परिणीति चोपड़ा, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका, फिल्म मेकर आनंद एल राय और इम्तियाज अली जैसे मशहूर सेलिब्रिटी किंग खान की सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने। 8 साल बाद एक्स लवर करीना और शाहिद फिल्म उड़ता पंजाब में साथ नजर आएंगे। मुंबई में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान करीना और शाहिद एक दूसरे के साथ काफी अनकंफर्टेबल नजर आए।